बैक माय चैनल। तो आज चलती हूँ मैं कटोरी चाट बनाने। तो चलिए दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ ले ली हूँ प्याज, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सारा चीज़ मैंने खड़ा मसाला यहाँ ले लिया है। टमाटर, लाल मिर्च और तेजपात सारा ले ली हूँ यहाँ पर। चलिए दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ काबुली चना ले ली हूँ, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दी हूँ। इसी में प्याज ऐड कर दे रही हूँ, इसमें लहसुन भी ऐड कर दे रही हूँ, अदरक भी ऐड कर दी हूँ इसमें। यहाँ ये भी ऐड कर देती हूँ, लाल मिर्च, तेजपात, जो भी खड़ा मसाला था सारा ऐड कर दे रही हूँ मैं। यहाँ दो चार आलू डाल दे रही हूँ। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना आलू का कुछ खाते नहीं है, तो इसमें इसलिए डाल रही हूँ, जिसको मन करेगा डालेगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ इमली का टुकड़ा भी डाल देती हूँ, क्योंकि इससे खट्टा खट्टा टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है खट्टा। अब इसको बंद करके दो सीटी लगा लेती हूँ, इसका पेस्ट बना लेती हूँ मैं। आगे दिखा रही हूँ कैसे बना। तो यहाँ मैं तेल ऐड कर दे रही हूँ इसमें पहले। यहाँ मैं फ़ोरन ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ जो मसाला को मैं पेस्ट बनाई हूँ, यहाँ हल्दी ऐड कर दे रही हूँ मैं, यहाँ नमक ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छा से भुनना है जब तक तेल ना छोड़े अच्छा से। इसमें जीरा, काली मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ छोला मसाला ऐड कर दे रही हूँ मैं। मैंने चना ऐड कर दिया इसमें, तो ये मेरा छोला हो चुका है। अब आगे दिखा रही हूँ कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। इस तरीके से मेरा फाइनल लुक आ गया है। इसमें थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर दे रही हूँ, इतना सीजन बेकार चल रहा है कि पूरा धनिया पत्ता सूख जा रहा है, तो मैंने ऐड कर दिया। इसको अब बंद कर देती हूँ, आगे दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मैदा गूंथ चुकी हूँ मैं, यहाँ ले ली हूँ मैदा। अब चलती हूँ छोटा छोटा बॉल बनाने। तो यहाँ छोटा छोटा लोई बना ली हूँ, इसको छोटी छोटी पूड़ी जैसा बना के आगे दिखा रही हूँ। इस तरीके से पूड़ी जैसा बना ली हूँ। अब चारों तरफ से मैं पानी लगा लूँगी थोड़ा सा। यहाँ बीच में कटोरी रख दूंगी, इसको अच्छा से तरीके से चिपका दूंगी चारों तरफ से। आगे दिखा रही हूँ, तो मैं इस तरीके से बना ली हूँ। अब इसमें तेल में डाल रही हूँ, यहाँ मेरा गरम हो चुका है ऑयल। इस तरीके से डाल दूंगी मैं, इस तरीके से हमें ऐसा करना है कि चारों तरफ से पक जाए और ये छोड़ दे खुद ही। इस तरीके से मैं चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं धीरे धीरे छोड़ रहा है ये। इस तरीके से कटोरी के शेप में हो गया है। इसको अच्छा से क्रिस्पी बना देंगे हम, क्रिस्पी करेंगे थोड़ा। अब इसी तरह तल के निकालूंगी मैं, तो इस तरीके से मैं निकाल लूंगी। अब ये हो चुका है, तो मेरा यहाँ सारा इस तरीके से कटोरी शेप में बना चुकी हूँ मैं कटोरी। अब इसमें देख सकते हैं कि मैं इसमें छोला ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें प्याज ऐड करूंगी, हरी मिर्च ऐड करूंगी, हल्दी भुजिया ऐड करूंगी, सब कुछ इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा चाट मसाला, दही, चटनी, खट्टी चटनी और इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, क्योंकि अच्छा लगता है, चटपटा रहता है। तो फिर धनिया पत्ता सब कुछ मैं डेकोरेट कर दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, जो चीज़ मैं भूल रही हूँ बताना वो देख सकते हैं कि मैं क्या क्या इसमें ऐड कर रही हूँ। और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा। हर किसी को चटपटा पसंद है, तो जरूर आप ट्राई करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा कि मैं इस तरीके से वीडियो और लेकर आऊँ। और ढेर सारा मुझे प्यार दीजिएगा मेरे वीडियो देखने के लिए। दिल से सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये देख सकते हैं मैं सर्व कर दी हूँ सबको, चलती हूँ खिलाने। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए।